ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। एक बच्चा जन्म लेता है, वह जैसा है वैसा ही नहीं रहता, सीखता है। एकदम छोटा बच्चा चल नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, बैठना भी सीखता है, खड़ा होना भी सीखता है, चलना भी सीखता है और बोलना भी सीखता है। रोना तो साथ लेकर आता है, वह सीखना नहीं पड़ता। रोना तो साथ आता ही है और हंसना भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, सीखता है। तो हर व्यक्ति सीखता है और सीख कर और अपना जीवन निर्माण करता है और कार्य संचालन करता है। इसीलिए शिक्षा का बड़ा महत्व रहा कि शिक्षा के द्वारा आदमी अज्ञात को ज्ञात कर सकता है, जो नहीं जानता उसे जान लेता है और जो नहीं कर सकता वह काम करने लग जाता है शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा का बड़ा महत्व है, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, शिक्षा सर्वत्र उपादेय मानी गई है। अब एक प्रश्न होता है कि शिक्षा तो है, सिखाने वाला भी है, पर व्यक्ति सीख नहीं रहा है, इसका क्या कारण है? उत्तराध्ययन सूत्र में इस पर विचार किया गया और उसका समाधान भी दिया। अह पंचहिं ठाणे हिं जेहिं शिक्षा न लभ भई थम्भा कोहा पमायेणम रोगेणालस्य एणये। पांच ऐसे कारण है कि व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता। उनमें पहला कारण है थम्भा, खम्भा शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि स्तब्ध है, झुकना नहीं जानता, इसलिए शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता। आदमी भी जब अहंकार में होता है तो खम्भे जैसा अकड़ में आ जाता है, वह शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता। शिक्षा को ग्रहण वही कर सकता है जो झुकना जानता है, जिसमें विनम्रता है, अहंकार विलय है। वह व्यक्ति कुछ नई बात सीख सकता है और अहंकार में रहता है, वह कैसे ग्रहण करेगा? कुछ लोगों को देखा है, कुछ कह दो ये कि मैं तो जानता हूँ, कोई कुछ भी कह दो कि मैं जानता हूँ, जानता शायद कुछ भी नहीं। बड़ी कठिनाई है हमारी, और इसीलिए भर्तृहरि ने ठीक लिखा, अज्ञ सुख माराध्य, जो नहीं जानता उसे सिखाया जा सकता है, बहुत सुविधा से सरलता से सिखाया जा सकता है। सुख तर माराध्य ते विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ है उसे तो हर बात बहुत थोड़े में समझाई जा सकती है, पर ज्ञान अलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम नरंजयति। जो जानता नहीं और मानता है मैं बहुत जानता हूँ, ऐसे व्यक्तियों को सिखाने के लिए भर्तृहरि के शब्दों में ब्रह्मा भी आ जाए तो नहीं सिखा सकती उन लोगों को, कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक बड़ी बाधा है स्तब्धता, अकड़न, खम्भा बन जाना, जो सीधा खड़ा रहता है, कभी और झुकना सीखा ही नहीं। एक बड़ी बाधा अहंकार, बड़ी कठिनाई भी है, अहंकार की बड़ी समस्या है, पता नहीं क्यों, कारण खोजें तो आदमी अहंकार क्यों करता है, अभी हमारी समझ में तो आया नहीं कि अहंकार क्यों करता है आदमी, किस बात का अहंकार। अगर कोई शाश्वत हो तो आदमी अहंकार करे। हमारी दुनिया में शाश्वत तो है नहीं, सारे पर्याय, सारे परिवर्तनशील और सारे चंचल, चंचल ही चंचल है, फिर किस बात का अहंकार।
मानते थे कि दुनिया के बड़े बड़े भवन है और दर्शनीय है, वे भी टूट गए, गिर गए, पुराने हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए। जिन दुर्गों किलों में रहकर और राजा अपने को अजेय मानते थे, आज वे भी जीर्ण शीर्ण है, कोई उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई। जब तक स्थल की लड़ाई थी और पैदल सेना चलती थी, मानते थे कि जिसके पास दुर्ग है, किला है, गढ़कोट है, वह अजेय होता है। अब वायुयान के ज़माने में उनका कोई उपयोग ही नहीं रहा, ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं, ऊपर से बम बरसा और कुछ भी नहीं होता। अहंकार किस बात का, एक एक विषय वस्तु पर आदमी विचार करे तो ऐसा लगेगा कि अहंकार करने का कोई कारण ही नहीं है, केवल अज्ञान, भ्रम और मोह के कारण व्यक्ति अहंकार करता है। शायद अहंकार मनुष्य की प्रकृति है। जैन आगमों में एक बड़ा सुंदर विश्लेषण किया गया है कि जो वनस्पति का जीव, उनमें भी निगोद का जीव जो इतना छोटा होता है और इतना अल्प आयु वाला और सब कुछ ऐसा होता है, फिर भी अहंकार उनमें प्रथम माना गया, प्रथम प्रकृति है अहंकार, बाद में क्रोध आदि है। तो ऐसे लगता है कि अहंकार यह मनुष्य की स्वभाव से जुड़ा हुआ है और उसी कारण बहुत व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाते। राजा श्रेणिक को एक विद्या सीखने की आवश्यकता हो गई। वहां एक जो चंडाल थे वे एक विद्या को जानते थे, अवनामिनी विद्या, और उस विद्या में ऐसा था कि आम का बगीचा था, आम की ज़रूरत थी, राजा का बगीचा, भीतर तो जा नहीं सकता, पहरे हैं, पहरे देने वाले लोग खड़े हैं, संतरी प्रहरी है, भीतर नहीं जा सकते, और आम की ज़रूरत और आम का मौसम नहीं, बिना मौसम आम की ज़रूरत, किंतु राजा का ऐसा बगीचा था, बारह मास में आम होता था, तो फिर क्या करें। तब उसने अवनामिनी विद्या का प्रयोग किया, बाहर ही खड़ा रहा, विद्या का प्रयोग किया, झुक कर डालियाँ टहनियाँ सब बाहर आ गई, आम तोड़ लिए। राजा को पता चला और उसे बुलाया। राजा ने कहा, विद्या अच्छी है, मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो उस चंडाल से कहा गया कि राजा विद्या सीखेगा। आया और विद्या का पाठ दिया, पर विद्या सिद्ध नहीं हुई। राजा ने कहा, तुमने ठीक नहीं पढ़ाया। बोला, महाराज मैंने तो जो था पढ़ा दिया आपको, फिर भी सिद्ध नहीं हुई। तो अभय कुमार बोला, महाराज ऐसे सिद्ध नहीं होगी, विद्या पढ़ाने वाला तो ऊंचे आसन पर बैठे और विद्या लेने वाला नीचे आसन पर बैठे, तब विद्या सिद्ध होती है। अब आप तो सिंहासन पर बैठे हैं, इस बेचारे को सामने बैठा रखा है, विद्या आपकी सिद्ध कैसे होगी। अहंकार में विद्या सिद्ध नहीं होती, विद्या की प्राप्ति भी नहीं होती, और विद्या उसी में फलित होती है जो जितना विनम्र होता है, जितनी विनम्रता सहजता उसमें होती है। तो एक बड़ी बाधा है अहंकार। श्रेणिक ने प्रयोग किया, नीचे बैठा और उसको ऊपर बिठाया, विद्या सिद्ध हो गई। जो भी विशेषज्ञता है वह विनम्रता के बिना नहीं आती। मैंने देखा, बड़े बड़े विद्वानों को देखा, आचार्य तुलसी ने यात्राएं की और देश भर में हमारा विद्वानों से संपर्क रहा, और ऐसे दिग्गज विद्वान जो उस समय के थे उनके साथ हमारा संपर्क रहा, उनको देखा, पढ़ा, तो ऐसा देखा कि इतने विनम्र थे जिसकी कोई सीमा नहीं। डॉक्टर सतकड़ी मुखर्जी अपने समय के बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान थे और देश विदेश में बड़ी ख्याति थी उनकी और सब लोहा मानते थे। एक बार एक विद्वान ने लिख दिया
कि आचार्य तुलसी के सामने सतकड़ी मुखर्जी जाते हैं, बैठते हैं, आचार्य तुलसी को तो वे पढ़ा सकते, एक कटु आलोचना कर दी। ये बात जब सतकड़ी मुखर्जी के पास पहुंची, उन्होंने एक पत्र लिखा, यह हमारा प्रमाद ही समझिए कि वह पत्र सुरक्षित रह नहीं सका, पता नहीं कहीं है तो कहीं छिपा हुआ पड़ा है। उन्होंने लिखा कि जिस विद्वान ने लिखा उसको पता नहीं है, मैं तो जब जब आचार्य तुलसी के सामने जाता हूँ तो एक बच्चे की तरह अपने आप को अनुभव करता हूँ, एक छोटा बच्चा होता है, वैसा लगता है वे महान है, उनके सामने मैं कुछ भी पहुँच नहीं सकता। तो इतनी विनम्रता देखी, सैकड़ों व्यक्ति मेरे सामने आते हैं, चाहे बनारस के, पूना के, उज्जैनी के, मुंबई के, और दक्षिण भारत के कहीं भी गए, ये जो बड़े विद्वान थे उन सबको तो विनम्र देखा, और जो अधकचरे थे उनमें अहंकार भी देखा। तो इससे निष्कर्ष निकला कि उन्होंने ही विकास किया है जिनके पास विनम्रता है, अहंकार का विलयन किया है, और एक हरे वृक्ष की तरह जो झुकना जानते हैं और जो ठूंठ की तरह सीधे अकड़ कर रहना नहीं जानते। तो एक बड़ा आया अवरोध कि शिक्षा कौन नहीं ग्रहण कर सकता, कि थम्भा तो स्तब्ध है, खंभे की भांति सीधा खड़ा रहता है, वह विद्या शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरी बात कोहा, क्रोधशील व्यक्ति है, बात बात में क्रोधी बन जाता है, वह ग्रहण नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों क्रोध आता है, कोई प्रकृति ऐसी है तो आदमी उबल पड़ता है, कारण अकारण, अकारण क्रोध आता है, यह भी एक खास बात है, कारण से भी नहीं आना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति, चिंतनशील व्यक्ति, उसे कभी क्रोध करना नहीं चाहिए। क्यों? कि यदि सत्यम के कोपे, यद सत्यम किंग न कोपे ने, कितना सुंदर कहा गया कि तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तुम्हारी कोई आलोचना कर रहा है, तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है, तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? आकृष्टेन मतिमता तत्वान्वेषणे मति कार्या, तत्व की अन्वेषणा में मति लगानी चाहिए, कि यदि सत्यम मेरे बारे में जो कह रहा है अगर वह सत्य है तो फिर मुझे क्रोध नहीं, मुझे बदलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बदलूं मैं अपने आप को। यद सत्यम, अगर झूठ है तो मुझ पर लागू ही नहीं होता, फिर मुझे क्रोध क्यों करना चाहिए? जब मुझ पर लागू ही नहीं होता, वह कोई आरोप लगा रहा है, निंदा कर रहा है, वह मुझ पर लागू ही नहीं है, क्यों मैं वैसा नहीं हूँ, तो फिर मैं क्रोध क्यों करूँ? मैं मानूँ कि वह किसी दूसरे को ही कह रहा है। यह बड़ा अवरोध है शिक्षा का, क्रोध की प्रकृति, विद्यार्थी गुस्सेल है, अध्यापक के सामने समस्या हो जाती है, साधक गुस्सेल है तो गुरु के सामने समस्या हो जाती है, और कर्मचारी और गुस्सेल है तो मालिक के सामने समस्या पैदा हो जाती है, कि क्रोध के कारण समस्याएं बहुत पैदा होती है, परिवार में भी समस्या पैदा होती है। एक अधिकारी जो IAS ऑफिसर था हमारे पास आया, आकर बोला कि मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं कम करना चाहता हूँ। मैंने क्यों क्यों कम करना चाहते हो? पाला हुआ है, पोसा हुआ है, जब पाला पोसा हुआ है फिर उसको कम क्यों करना चाहते हो? बोला कि परिवार में बड़ी समस्या पैदा हो गई है और मेरे कारण सारा परिवार दुखी बन रहा है, मुझे दया आ रही है, अब मैं क्रोध को कम करना चाहता हूँ। तो हर जगह समस्या आती है तो सब चिंतन करें कि क्रोध शिक्षा ग्रहण में भी बड़ा अवरोध है, वह शिक्षा को सम्यक प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकता, जो कुछ कहा जाए उल्टा ही ग्रहण करेगा। तीसरी बात पमायनम, प्रमाद, प्रमाद बहुत है, प्रमाद, प्रमाद, या तो नींद की बहुत आदत है, बस नींद ही नींद में रहता है, पढ़ने बैठे तो नींद, ध्यान करने बैठे तो नींद, वार्ता करने बैठे तो नींद,
अब नींद की इतनी भारी आदत है, समस्या है, वह शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता। पूरी नींद ही नींद में, अब सुना क्या, कुछ भी पता नहीं लगता, कुछ भी पता नहीं लगता। नींद में कैसे पता लगे? प्राय यह भी होता है कि प्रवचन आदि में भी कुछ लोग नींद लेते हैं तो उनको पूरी बात समझ में नहीं आती। रामायण में कथा कही जाती है कि बुढ़िया रामायण सुनने जाती थी। कोई जैन मुनि यति जी रामायण का वाचन करते थे और बुढ़िया जाती थी रामायण सुनने, तो जाती, बैठती, भीत का सहारा और नींद शुरू हो जाती। जब नींद शुरू हो जाती है तब कुछ पता नहीं लगता। तो बच्चे पूछते, दादी क्या सुना? अरे कोई इतने मैं सुनकर आती हूँ, बताने का होता है क्या? क्या होता है, सबने देखा, बात क्या है, कुछ नहीं बताती है। एक दिन बच्चे गए, जाकर देखा तो दादी तो खर्राटे भर रही थी, तो नींद में मुंह खुल गया। बच्चे गए, मिश्री की दो चार दलियाँ भीतर डाल दी, बच्चे चले गए। अब उठी तो मुंह मीठा था। आई घर पर, बच्चों ने पूछा, दादी आज बखान कैसा बचा? मत पूछो, आज तो इतना मीठा बचा कि कुछ बताने की बात नहीं, मेरा मुंह मीठा हो गया, इतना मीठा बखान बचा था। अब बना इस प्रकार कैसे ग्रहण हो सकता है? नींद में व्यक्ति सम्यक ग्रहण कर नहीं सकता। यह सबको सोचना है, शिक्षा में बाधा, साधना में बाधा, नींद एक बहुत बड़ी बाधा भी पैदा करती है।